लेकर रहेंगे पीओके। चीन ने पीओके से रची युद्ध की साजिश। चीन की मदद से पीओके में घातक मिसाइल। स्कार्दू पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ। स्कार्दू एयरबेस पर चीन के फाइटर जेट तैनात। लद्दाख और पीओके दो मोर्चों से युद्ध छेड़ेगा चीन। हमने कई बार इस विषय पे क्लियरली बोला है कि हम किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है एंड उसमें टू फ्रंट वॉर भी इंक्लूडेड है। चीन पाकिस्तान दोनों के पिटने का समय आ गया। सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बुला हूं तब तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है ये बात को आ। देश ने पुकारा है पीओके अक्साई चीन हमारा है। तो देशित देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिरीन। देशित में अब चीन पाकिस्तान के नापाक गठबंधन पर बड़े खुलासे का समय है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने दो दिन पहले ही दो मोर्चे पर लड़ाई के लिए तैयार रहने की बात की थी। चीन और पाकिस्तान के इन दो मोर्चों की तस्वीर अब धीरे धीरे साफ हो रही है। लद्दाख में एलएसी पर चीन ने तनाव बढ़ा रखा है तो चीन ने पाकिस्तान के पीओके में भी बड़ी साजिश रचनी शुरू कर दी है। पीओके से आज हमारे पास तीन बड़ी खबरें हैं जो आपको बताएंगी कि कैसे चीन पाकिस्तान की मदद करके पीओके को भारत के खिलाफ युद्ध का सबसे बड़ा बेस बनाने की तैयारी में है और पाकिस्तान चीन के बहकावे में आकर उकसाने वाले कदम उठा रहा है। चीन और पाकिस्तान दोनों की साजिशों का बड़ा और नया केंद्र पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर बन रहा है। जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी यह है कि पाकिस्तान ने पीओके में घातक मिसाइलें तैनात की है, सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें। पीओके के बाग इलाके में मिसाइलों का कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि पाकिस्तान को इन मिसाइलों की तैनाती के लिए निर्माण कार्य में चीन विशेष मदद पहुंचा रहा है। कंट्रोल रूम में चीन के 10 सैनिकों के साथ पीएलए के 3 बड़े अधिकारी तैनात किए गए हैं। चीन और पाकिस्तान इस बात को भलीभांति समझते हैं, इसीलिए पीओजेके के अंदर चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान सरफेस टू एयर मिसाइल्स डिप्लॉय कर रहा है। ये चीन की एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। चीन पाकिस्तान के स्कार्दू एयरबेस का भी इस्तेमाल कर रहा है। ये जानकारी देने से पहले स्कार्दू से आई ये तस्वीर देखिए। मंगलवार को पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा स्कार्दू और गिलगित का दौरा करने पहुंचे थे। स्कार्दू में नॉर्दर्न एरिया के फोर्स कमांड के साथ सुरक्षा तैयारियों का भी उन्होंने जायजा लिया। स्कार्दू बेस 29 जून 2020 को तब चर्चा में आया जब जी न्यूज ने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासे में बताया चीन की वायुसेना स्कार्दू एयरबेस का इस्तेमाल करके भारत पर हमला कर सकती है। स्कार्दू एयरबेस के जरिए चीनी हवाई हमले को हर उस परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी जिसका सामना वो लद्दाख पर किसी भी कार्रवाई के लिए कर रही है, यानी ज्यादा ऊंचाई और ज्यादा दूरी। वहीं स्कार्दू के खिलाफ की गई भारत की कोई भी कार्रवाई भारत के उस दुस्वप्न को सच कर जिसमें उसे चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ जूझना पड़ सकता है। गंभीर सवाल ऐसे में ये है कि क्या चीन वाकई भारत के खिलाफ लद्दाख के साथ साथ दूसरा मोर्चा पीओके में खोल सकता है। अंदरबाग, चकोटी का इलाका, चिनार, ये विलेजेस हैं, ये इलाके हैं जिनके सामने ये मिसाइल देखे गए हैं, पिकअप हुए हैं सैटेलाइट से और इंटेलिजेंस गैदरिंग। इन्हीं खतरों को देखते हुए चीन पाकिस्तान को आज भारतीय वायुसेना प्रमुख की चेतावनी एक बार फिर से सुननी होगी। हमने कई बार इस विषय पे क्लियरली बोला है कि हम किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है एंड उसमें टू फ्रंट वॉर भी इंक्लूडेड है। चीन और पाकिस्तान की हर साजिश, हर चाल पर भारत की कड़ी नजर है।
भारत को इन दो दुश्मनों की सिर्फ एक गलती का इंतजार है, उसके बाद अटल संकल्प पूरा होगा, पीओके के साथ साथ अक्षय चीन भी हमारा होगा। मनीष शुक्ला और कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।